आज हम बातचीत करेंगे फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन क्या है और इसे हमें किस तरह से समझते हैं। फ्रैक्शन किसी भी मटेरियल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो बॉडी के रिलेटिव मोशन का ऑब्जेक्शन करती है। फ्रैक्शन में एक विशेषता है कि फ्रैक्शन अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहता है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को डिक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन भी डिक्रीज होता है। बट फ्रैक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सपोज दैट, मान के चलें कि अगर बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रैक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पर होगा। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रैक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पर होगा। फ्रैक्शन एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बॉडी जिस डायरेक्शन पर मूव कर रही है या मोशन की टेंडेंसी पर है, जिस डायरेक्शन पर मोशन की टेंडेंसी पर है या जिस डायरेक्शन पर मूव कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए अलग अलग होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वो सभी कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए जीरो होती है। तो ये जो फ्रैक्शन होता है ये मटेरियल के ऑब्जेक्ट के बॉडी के रिलेटिव मोशन का ऑब्जेक्शन करता है। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को फ्रैक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो फिर बॉडी फिर मोशन में आ जाती है। फिर उस समय उस बॉडी के पास कोई एक्सीलरेशन होता है, कुछ वेलोसिटी होती है और फिर बॉडी उस एक्सीलरेशन के साथ वो मोशन करने लगती है। लेकिन अभी भी फ्रैक्शन जीरो नहीं है, बॉडी अभी भी कुछ उसका एक्सीलरेशन है, उसके पास कुछ एक्सीलरेशन है और बॉडी पर कुछ अभी भी उसका कुछ फ्रैक्शन है जो बॉडी के मोशन का अपोज कर रहा है। लेकिन मोशन के समय, ड्यूरिंग मोशन, उस समय जो फ्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन कहते हैं, जिस समय बॉडी मूव कर रही है। ध्यान रखना, काइनेटिक फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ा सा कम होती है फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से।